नमस्कार, आज मैं बनाऊंगी कटहल। वैसे तो मैं इससे पहले भी एक रेसिपी कटहल की बना के डाल चुकी हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा तेलीय ज़्यादा हो गया था, उसमें तेल ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं आज थोड़ा दूसरी तरीके से बनाऊंगी। तो ये मैंने कटहल आधा केजी ले लिया है और इसको छील कर साफ कर लिया है और छोटे छोटे पीस इसके काट लिए हैं, देखिए। और इसको अब मैं गैस पे रखूंगी पानी। एक भगोने में पानी रख दिया है, गैस ऑन कर दूंगी। और तो देखिए गैस पे पानी भी रख दिया है, अब इसको हम खोल जाने देंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर और सादा नमक। ये दोनों चीज इसमें पानी में डाल देंगे और पानी को खौलने देंगे। इतना नमक डाल देंगे। तो देखिए ये पानी उबल गया है, हल्दी पड़ा हुआ, और इसमें अब हम डाल देंगे ये कटहल के पीसेस, सारे पीस इसमें डाल देंगे और इनको इतना पकाएंगे 100 में से 50% इसको पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो इनको हम इसमें डाल देंगे और ढक देंगे, और जब तक कटहल उबलेगा तब तक मैं और मसाले तैयार कर लेती हूँ। देखिए ये मैंने ले लिए हैं 2 टमाटर और 2 पीस प्याज के हैं, 2 हरी मिर्च हैं इनको, और आधा इंच से ज़्यादा अदरक है, इसको हम काट लेंगे। देखिए मोटे मोटे टमाटर मैंने काट लिए हैं, इनको मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। इसमें थोड़ी सी अदरक भी डाल देंगे, ये अदरक डाल दिए, ये भी पीस लेंगे मिक्सी में। देखिए टमाटर का पेस्ट तैयार हो गया है और मैंने ये 10-12 कलियां लहसुन की ले ली हैं, इनको महीन महीन काट के प्याज में डाल लेंगे। तो देखिए ये मैंने सारे मसाले तैयार कर लिए हैं, टमाटर की प्यूरी है, ये मोटा मोटा कटा हुआ प्याज और लहसुन है, 2 हरी मिर्च काट ली है, जीरा है, ये कश्मीरी मिर्च है, धनिया पाउडर है और गरम मसाला, उधर हल्दी नमक और लाल मिर्च है। कश्मीरी मिर्च कड़वी नहीं होती, ये केवल कलर लाती है सब्जी में, इसलिए थोड़ा इसको हमने ज़्यादा ले रखा है। अब चलते हैं गैस की तरफ। देखिए ये कटहल उबल गया है और हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसका सारा पानी जो है वो हम निकाल देंगे। गैस को जला लेंगे और इस पे रखेंगे एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे तेल, थोड़ा अंदाज से डाल लेंगे तेल को, और तेल को कर लेंगे गरम। तो ये तेल हमारा गरम हो गया है, गैस स्लो कर देंगे, ऐसे घुमा देंगे पूरी कढ़ाई में, जिससे ये चिकनी हो, और इसमें डालेंगे ये उबला हुआ कटहल, इसका हमने सारा पानी निकाल दिया है। देखिए ये कटहल जो है हमने स्लो फ्लेम पे भून लिया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है ये, इसको अब हम निकाल लेंगे। तो ये मैं इसमें निकाल लूंगी झारे में, जिससे तेल जो एक्स्ट्रा है वो सारा यहाँ निकल जाएगा और कढ़ाई गैस पे ही रखी रहेगी, इसी को हम दोबारा यूज कर लेंगे। तो अब इसी कढ़ाई में डाल देंगे थोड़ा सा और तेल, इसको होने देंगे गरम। देखिए ये तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम थोड़े खड़े मसाले कम ही डालेंगे, क्योंकि हम पिसा हुआ गरम मसाला डाल रहे हैं, ये जावित्री है, ये थोड़ी दालचीनी है और 2 लौंग हैं, इनको हम इसमें डाल देंगे। ये हो गया तड़का लग गया है, जीरा डालेंगे, जीरा डाल देंगे, गैस लो ही रखेंगे,
ये लहसुन प्याज जो काट के रखा है ये डाल देंगे इसमें, और इसी के साथ डाल देंगे ये हरी मिर्ची, और इसको धीमी गैस पे चलाते हुए गोल्डन ब्राउन तक भून लेंगे। लाइट भूनेंगे, गोल्डन ब्राउन नहीं भूनेंगे, थोड़ा लाइट ही भूनेंगे। देखिए प्याज पक जाने के बाद इसमें मैंने मिर्च और हल्दी पाउडर, धनिया, गरम मसाले सारा कुछ इसमें डाल दिया है। धनिया का पाउडर डाला है, नमक स्वाद के हिसाब से डाल दिया है, कश्मीरी मिर्च डाली है, वो सब मसाले भून लिए हैं। तो ये देखिए भूनकर तैयार है ये मसाला, तेल छोड़ने लगा है। तो इसमें डालेंगे अब हम टमाटर की प्यूरी ऐसे, और दो मिनट तक इसको भी पका लेंगे। तो ये मसाले पक गए हैं, और इसमें ये डाल देंगे फ्राई किया हुआ कटहल, और इसको मसालों से एकदम मिला देंगे। मसाले से मिक्स कर देंगे इसको, ऐसे दो मिनट तक ऐसे कर लेंगे। तो देखिए दो मिनट तक मैंने मसाले से लपेट कर भून लिया है। देखिए अभी से ही कलर कितना अच्छा लग रहा है इसका। और इसमें अब डालेंगे पानी ग्रेवी के लिए, तो जितना रखना है उसी हिसाब से पानी डाल देंगे। तो ये मिक्सी के जार में हमने पानी ले लिया है, इसमें टमाटर पीसे थे वही पानी हम इसमें डाल देंगे। अभी थोड़ा सा और पड़ेगा, इसको चला देंगे और गैस को कर देंगे तेज, ढक के पका लेंगे। देखिए ये सब्जी बनके है तैयार, और इसके लिए हमने काट के रखी है धनिया। गैस को करेंगे अब ऑफ, देखिए, और इसे अब डोंगा में सर्व कर लेंगे। थोड़ी सी धनिया ऐसे डाल देंगे इसमें, और इसको चम्मच से चला। तो ये सब्जी बनके तैयार है, और इसको अब धनिया से गार्निश कर देंगे। खाने के लिए तैयार है ये सब्जी कटहल की, आप लोग बनाकर देखें और इसका स्वाद लें।